हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल निफ्टी में कहाँ ट्रेड है और क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट में। जैसे कि हमने कल देखा कि इन डिसीजन कैंडल बना था डोजी, वैसे आज हम देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और वहाँ से फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिली हमें। नीचे आया बट वहाँ से रिकवर हुआ और ऊपर हमने अच्छा खासा देखा। मार्केट सेकंड हाफ में था बट एंड में जो सेलिंग देखने को मिली वहाँ से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला। तो हम लोग ने कल लेवल मार्क किए थे कल कि एक जोन में अटका हुआ था जो कि प्रीवियस गैप था जो हमने कल डिस्कस किया था। ये गैप में अटका हुआ था मार्केट कल। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता था हमारे लिए अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था, ऊपर या डाउन से नीचे ब्रेक करे तब। बट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे वो ट्रेड मिस हो चुका था, ओपनिंग ट्रेड। बाद में हमने देखा कि एक लोअर लेवल रिजेक्शन हैमर टाइप कैंडल बना, साइडवेज गया मार्केट। यहाँ से साइडवेज के बाद में हमको बाइंग देखने को मिली ऊपर में। हम लोग एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमको लेवल्स ट्रैक करने हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस कल का जो सपोर्ट था आज वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यही लेवल प्रीवियसली हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं। अगर लेवल मार्क करके रखे होंगे आपने तो आपको आज ट्रेड इजी मिला होगा यहाँ पे। तो प्रीवियस सपोर्ट जो था आज यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट हमने देखा कि निफ्टी यहाँ से नीचे आ गया, फिर से बाउंस किया और एंडिंग में वहाँ पे देखा कि हमको ऊपर सेलिंग देखने को मिली यहाँ पे। सो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ऊपर में सस्टेन हो नहीं पाया था, यहाँ पे जैसे 350 360 क्रॉस कर रहा है मॉर्निंग में ही, ये जोन के अंदर आ रहा है जो कि ये रेंज बना था। एक मार्केट में एक जो ये रेंज बना था ये रेंज में फिर से आ जाएगा इंडेक्स। अगर यहाँ पे 350 360 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो रहा है तो ये रेंज में फिर से कंटिन्यू करेगा। अपर साइड 450 होंगे, एक स्मॉल बाउंस के लिए हम अप साइड प्ले करेंगे। बड़ा मूवमेंट थोड़ा 450 370 के ऊपर ही आएगा। 475 जब क्रॉस करेगा तब ये बड़ा गैप फुल फिल करने के लिए निफ्टी ऊपर जाएगा। अप साइड के लिए लेवल ये थे। डाउन साइड अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और यहाँ से हमको रेड कैंडल मिलती है पहले की जो कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो कल भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा ये, और वहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकती है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। एग्रेसिव शॉर्ट हम जब जब ये डे लो प्रीवियस लोज ब्रेक होंगे, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लोज ये जब ब्रेक होंगे तब हम लोग एग्रेसिव सेल के लिए जाएंगे। नीचे में हमारे टारगेट होंगे 16120, 16120 के टारगेट होंगे। उसके बाद में हमारा 16,000 का निफ्टी में टारगेट होगा। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देख रहे हैं हम लोग कि डेली चार्ट पे हमको यहाँ पे स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है। कल डोजी कैंडल बना था, स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है। अपर और लोअर लेवल रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की हालत ही सेम है कि मार्केट जो बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट पे ओपन हुआ, जो कि लेवल हम ये कल से मार्क कर चुके हैं। कल भी हमने ये लेवल डिस्कस किया था। आज एग्जैक्ट वो लेवल के लोअर एंड पे ओपन हुआ बैंक निफ्टी, बट वहाँ से हमको देखने को रिकवरी देखने को मिला। अगर एक बात हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो वो ओपन ही नीचे होगा और फॉलो अप सेलिंग हमको पहले 10-15 मिनट में देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट के अंदर ओपन हुआ, सपोर्ट के थोड़ा ऊपर ओपन हुआ। फर्स्ट 15 मिनट हमको रिजेक्शन देखने को मिला पहले आधा घंटा, बाद में लोअर लेवल से बाइंग आई और वहां से हमको बाउंस देखने को मिला। बट बाउंस सस्टेनेबल नहीं था, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, प्रीवियस सपोर्ट जोन जो था आज वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बेरिश एंगलफिन हमको पैटर्न देखने को मिला यहाँ से, और यहाँ से फॉलो अप सेलिंग डिप नीचे आया थोड़ा और एक इंट्राडे में अच्छा खासा ट्रेड बना। बाउंस के बाद में वापस यहाँ पे इंडिसीजन पे मार्केट क्लोज हुआ। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है कि जैसे ये आज का डे हाई कल ब्रेक कर रहा है तो हम लोग बाउंस के लिए प्ले करेंगे। अपसाइड होगा 760 750 का हमारा टारगेट होगा। इम्पोर्टेंट ये लेवल है। अगर 760 निकालता है, 750 निकालता है तो ये जो प्रीवियस गैप था ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आएगा, जो कि 35,150 160 के करीब है। डाउन साइड अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्रीवियस स्विंग लो जो था, जहाँ से अप साइड देखने को मिले, जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, तब तक के वो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, जो कि हमारा 34,100 के पास है, वो ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग सेल साइड नहीं देखेंगे। सेल हम 34,100 के नीचे करेंगे तो डाउन साइड हमारे टारगेट होंगे 33,800, और वहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 33,200 का, तो वो टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तब
तब तक फ्लैट खुलता है तो हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। जैसे कि हम लोग 2 दिन पीछे देख रहे हैं कि गैप डाउन हुआ, साइडवेज गया, एक आध ट्रेड हमको मिलता ही है। अगर लोअर लेवल से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो बाय साइड, अपर लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो सेल साइड। आज भी हमने वही देखा कि गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, और गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ एंड हुआ, ये जो गैप क्रिएटिव हुआ है ये फील किया आज मार्केट ने, और जहाँ से गैप स्टार्ट हुआ था वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो वैसे ही सिमिलरली ऐसे कुछ पैटर्न बन सकता है। गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग बाउंस के लिए वेट करेंगे, तो बाउंस में सेल करेंगे, या फिर कुछ प्राइस एक्शन बनता है साइडवेज वगैरह और उसका हाई लो ब्रेकआउट जब होगा तब हम लोग बाय या सेल करेंगे। चलिए स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गेल। गेल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना है, कि मार्केट नीचे आया है और एक बेस बना है अच्छा खासा। मार्केट देख हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो वो वन वे नहीं जाएगा। इस 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राइस एक्शन के साथ मार्केट चलता है। अगर ऊपर जाना है तो वन वे ऊपर जाएगा, फिर बाद में साइडवेज एक रेस्ट करेगा, एक चैनल पैटर्न या ट्रायंगल वगैरह कुछ बनाएगा, बाद में अपसाइड कंटिन्यू करेगा, वापस एक पैटर्न बनाएगा और फिर वापस अपसाइड कंटिन्यू करेगा। तो ये मैनर में मार्केट ऊपर जाता है। सेम सिमिलरली नीचे आते वक्त भी यही पैटर्न में वो नीचे आता है, कि एक डीप आने के बाद में साइडवेज आएगा, वापस डीप आएगा, वापस एक बाउंस देखने को मिलेगा और वापस डीप कंटिन्यू होगा। वन वे स्टॉक कोई गिरता नहीं है जब तक कि खास उसमें न्यूज़ ना हो या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा ना हो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राइस स्टॉक को, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि प्रीवियसली मार्केट स्टॉक नीचे आया है, एक बेस बना है प्रॉपर, वहाँ से नीचे आया स्टॉक। वैसा ही सिमिलर हमको देखने को मिलेगा यहाँ से, जहाँ से अपसाइड शुरू हुआ, एक बाउंस आया, बाउंस के बाद में थोड़ा साइडवेज गया, एक रेस गया, वहाँ से वापस हमको अपसाइड कंटिन्यू होते दिख रहा है। अभी के लिए देखेंगे हम लोग तो डाउन साइड हुआ है एक अच्छा खासा, उसके बाद में एक बेस बना है और यहाँ से एक डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम लोग आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे और क्लैरिटी आएगा कि प्रीवियसली जो देख रहे हैं हम लोग, एक शार्प रैली हुआ है, फिर बेस बना है और वापस एक रैली हुआ है। ऐसा ही पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक बेस बना है, एक ये छोटा छोटे रैली बेस हुई है, रैली के फॉल के बाद में एक बेस आया और बाद में एक ड्रॉप देखने को मिला। तो यहाँ पे जो ड्रॉप बेस ड्रॉप बन रहा है वो ही हम ट्रेड करेंगे। एक ड्रॉप है, बेस है, एक ड्रॉप और वापस ये एक बड़ा बेस बना है, जाके वो कंटिन्यू नीचे सेल साइड कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होंगे कि इसको हम लोग सेल करेंगे। 155 पे क्लोज हुआ है तो 154.80, 154.50 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। हमारे टारगेट होंगे 150 और नीचे में 146। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक कर रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस 157 के आसपास ही होगा, या फिर ये गैप डाउन होके ब्रेक कर रहा है तो जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसी कैंडल का हम लोग हाई स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।